उसका करंट है लोड, ठीक है, और अलाइनमेंट, उसका फैन टूटा हुआ नहीं है, टूटता है उससे मसला होता है, फैन का वो लगा नहीं लगा हुआ, सेफ्टी हैजर्ड होता है, जंक्शन बॉक्स अगर सही तरह से सील नहीं है तो क्या मसला आता है, कौन बताएगा? पानी चला जाएगा, मॉइस्चर चला जाएगा और ब्रेकडाउन का चांस बन सकता है, ठीक है। तो सबसे क्रिटिकल पैरामीटर कौन सा हुआ इसमें से? दो तीन होंगे इन पैरामीटर्स में से भी। करंट सबसे मेन करंट है, वाइब्रेशन है, टेम्परेचर भी है, चार पांच क्रिटिकल हैं, बाकी जो हैं वो बेहतरी के लिए। एक 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 पैरामीटर सब लोग सब जगह मिस कर जाते हैं, बड़ा क्रिटिकल होता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है एक्चुअली, वो होता है क्लीनिनेस। मोटर की सफाई का क्या रोल होता है उसके ब्रेकडाउन से बचाने में, कोई अगर साहब बताएं तो टॉप की उनकी। आप जो नए साहब आए हैं, आप कौन से डिपार्टमेंट से? पाइपिंग एंड फैब्रिकेशन से। सर उसके बातें से चांस बढ़ जाता है। और सर ड्राइव मोटर में स्लैब होते हैं, टाइम लगता है पीछे, ये स्लैब बंद हो जाते हैं, एयर नहीं बनाते। वेरी गुड, टेंपरेचर बहुत, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और सफाई ना होने से होता एक्चुअली क्या है? एक तो एयर नहीं जाएगी। yes. सफाई करनी क्यों होती है? मोटर की सरफेस से एक और काम भी हो रहा होता है, मोटर की सरफेस से एक और काम भी होता है, हीट एक्सचेंज होती है। yes. हीट एक्सचेंज क्या होती है? जो अंदर का टेम्परेचर है और जो बाहर के टेम्परेचर का डिफरेंस है, अगर अंदर टेम्परेचर ज़्यादा और बाहर कम है तो बाहर अंदर का टेम्परेचर बाहर आता है। अगर उसके ऊपर डर्ट की, पेंट की, किसी चीज़ की, लुब्रिकेशन की, ग्रीस की, ऑयल की लेयर चढ़ जाएगी तो क्या होगा? हीट एक्सचेंज कम हो जाएगी, ब्रेकडाउन का कॉज बनती है। ये आपने देखा होगा MNCs में, कभी गए किसी प्लांट का विजिट किया आपने, अच्छे प्लांट का, पेप्सिको, टेट्रा पैक, किसी जगह विजिट नहीं किया? ICI बेहतर प्लांट है। और यूनिलीवर का किया हुआ है, यूनिलीवर में। और आपने इधर देखा होगा कि यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा होती है, सेफ्टी पे भी नहीं करते, सफाई पे भी नहीं करते। 5S बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ट्रेनिंग्स और इन सारी चीज़ों से हटकर एक काम लाजमी करना चाहिए। अब मैंने ये कहते हैं एक वो कहावत मशहूर है, मेंढक का कुआं, वो क्या होता है वो सुना है किसी ने? बाकी आप एक मेंढक होता है, चलें आप सुना दें, आपने सुना हुआ तो फिर पानी भरता है कुएं में और वो दोनों मेंढक बाहर आ जाते हैं, एक लहर आती है, वो दोनों तैरते तैरते वो आगे जाते हैं, फिर दूसरी लहर आती है वो इधर जाते हैं, कहते हैं देखा मेरी दुनिया कितनी, कहते हैं हाँ तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है। अपनी दुनिया से बाहर निकल के देखें, कुछ हम वीडियोस में देख लेते हैं, कुछ आप फिजिकली ज़रूर देखें, लोग काम किस तरह करें, बहुत डिफरेंट है। लोगों को भाग दौड़ लगी हुई है, इम्प्रूवमेंट में ग्रोथ है, ग्रूमिंग है और आगे बढ़ना है, बाहर रेस लगी हुई है, यहाँ से बाहर रेस है, सेंचुरी से बाहर बहुत रेस है। तो अगर आप लोगों ने वो चीज़ें देखी, आपको दूसरे प्लांट लूज और वहाँ जाके जो चीज़ें अच्छी देखें तो वो तो आप लाएंगे ही लाएंगे, जो आप वहाँ पे गलत प्रैक्टिस देखेंगे आप या उनको सिखाएंगे या आपको जहन में आएगा कि हमने इसको और बेहतर करना है, फ़ायदा लाजमी होता है। मैंने अपनी लाइफ में 1000 से ज़्यादा प्लांट्स देखे हुए हैं, विज़िट किए हुए हैं, ना कि सिर्फ विज़िट किए हुए हैं, उनके कई प्रॉब्लम्स भी हल किए हुए हैं, कई प्लांट्स के, सारों के नहीं। उससे बहुत फ़ायदा होता है, बड़ी जगह ऐसे होता है आपको लगेगा कि यार ये तो कॉमन सी बात है, ये क्यों नहीं कर रहे? ऐसे ही जब कोई अच्छे प्लांट वाला आपके पास आएगा वो कहेगा यार ये क्यों नहीं कर रहे, ये अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, कम टाइम में, मतलब हर बंदा आप में से दिन में 2 घंटे आराम से बैठ सकता है ऑफिस में, अगर उसने काम अपना सही तरह मैनेज किया, अपनी टीम को सही तरह ड्राइव किया हुआ है।